हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को कैसे एडिट किया है, किस ऐप की मदद से एडिट किया है, दोस्तों ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, वरना आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलो फिर बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक इस तरीके की एक वीडियो आपको शूट कर लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने शूट की है। और शूट करने के बाद अब जो भी हमारी एडिटिंग होगी वो हमारी सारी एडिटिंग होगी काइन मास्टर से। दोस्तों चलो बिना समय गवाए काइन मास्टर को ओपन करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप काइन मास्टर ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको क्रिएट न्यू पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फिर आपको 16.9 का रेशा सिलेक्ट कर लेना है। रेशा सेलेक्ट करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपको वो वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है जो कि हमने शूट करके रखी थी। चलो फिर मैं आपको यहाँ सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको इस वीडियो का एक खाली बैकग्राउंड कैप्चर सेव कर लेना है। और कैप्चर सेव कैसे करना है तो चलो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है, और बॉक्स पर क्लिक करने के बाद फिर आपको कैप्चर एंड सेव पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करोगे तो आपका जो वीडियो का है कैप्चर है वो यहाँ सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद में फिर आपको वीडियो प्ले करके देखना है, और वीडियो प्ले करने के बाद वीडियो को आपको वहाँ रोक देना है। जैसे कि हम सिर पे अपना हाथ रखते हैं तो आपको उस पोजिशन में आपको वीडियो को रोक के एक कैप्चर आपको इस पोजिशन में आपको सेव कर लेना है। और सेव करने के लिए आपको फिर सेव वही करना है, पहले इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करोगे तो आपका कैप्चर यहाँ सेव हो जाएगा। सेम वही तरीका है। ये सब करने के बाद में अब जिस पोजीशन पे अब हमारा वीडियो है इसी पोजीशन पे आपको एक यहाँ पे कट लगा देना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि सिर के ऊपर जैसे अब हाथ है इसी पोजीशन पे आपको एक कट लगाना है। और कट लगाने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद फिर आपको सीजर पर क्लिक करना है। जैसे आप सीजर पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ नए ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो वीडियो है उस पर यहाँ कट लग जाएगा। और कट लगने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको इस ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर जाओगे तो आपकी फाइल यहाँ ओपन हो जाएगी। तो आपको फाइल में ना जाके आपको इमेज वाले ऑप्शन पे जाना है। इमेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में आपको यहाँ से एक वाइट कलर की इमेज यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। और जैसे आप इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे फिर आपको यहाँ बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में फिर आपको क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। और क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर जाने के बाद फिर आपको यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है। जैसे आप इसको यहाँ से इनेबल करोगे उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कई तरह के सर्कल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस राउंड वाले सर्कल को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद में आपको इसको अच्छे से एडजस्ट करके और इसको आपको चेहरे पे लगा देना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरीके से चेहरे पे एडजस्ट किया है, तो ठीक इसी तरीके से भी आपको एडजस्ट कर देना है। लेकिन इतना याद रहे कि चेहरा इस सर्कल से आपको दिखना नहीं चाहिए, आपको इसको अच्छे से बारीकी से आपको इसको सेट कर देना है। जैसे कि मैंने क्या आप देख सकते हैं, सेट करने के बाद में आपको इमेज वाली लेयर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इमेज वाली लेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको इसको इस वीडियो के बराबर आपको खींच के इसको एडजस्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको इस वीडियो के लास्ट तक मतलब कि बराबर बिल्कुल इसको एडजस्ट कर देना है। इतना सब कुछ करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, आपको कलर वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको ग्रीन वाले कलर पे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपको जो टिक का निशान दिखाई दे रहा है इस टिक के निशान पर आपको क्लिक करना है।
तो ये हमारा जो है जो इमेज वाली लेयर थी यहाँ ग्रीन हो जाएगी, और ग्रीन होने के बाद में हमें इसे इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, मतलब ये इसको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ जो एरो का निशान दिखाई दे रहा है आपको, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको सेव वीडियो पे आपको यहाँ क्लिक करना है, तो आपकी वीडियो यहाँ एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी वीडियो यहाँ एक्सपोर्ट होना स्टार्ट होगी, तो ये एडवर्टाइज है, इसको आपको स्किप कर देना है। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। अब जैसे ही हमारी वीडियो यहाँ डाउनलोड होगी, तो हमें इस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद में फिर से हमें काइन मास्टर पे आ जाना है। तो चलिए पहले इस वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। वीडियो डाउनलोड करने के बाद में फिर आपको मीडिया पे जाना है, और मीडिया पे जाने के बाद आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। फिर आपको वो वीडियो का एक बैकग्राउंड कैप्चर जो हमने लिया था शुरू में, आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमने कौन सा कैप्चर लिया था। आप देख सकते हैं हमने ये खाली बैकग्राउंड का कैप्चर यहाँ लिया था। तो इस तरीके से आपको भी खाली बैकग्राउंड का सबसे पहले यहाँ कैप्चर आपको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपको लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद फिर आपको मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद फिर आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। फिर आपको वो वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो अभी हमने एक्सपोर्ट की थी। तो चलो मैं आपको यहाँ वो वीडियो सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये वीडियो अभी हमने एक्सपोर्ट की थी, तो ये वीडियो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। और वीडियो सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपको इमेज वाली लेयर पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फिर आपको इसको खींच करके वीडियो के बराबर कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से किया है, तो आपको इसी तरीके से बिल्कुल जस्ट इस वीडियो के बराबर आपको खींच करके इसे कर देना है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है, और नीचे की तरफ आने के बाद फिर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर आपको ये जो फुल वाला ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपकी जो स्क्रीन है वो यहाँ फुल हो जाएगी। आप देख सकते हैं इतना सब कुछ करने के बाद फिर आपको बैक आना है। अब बैक आने के बाद में आप देख सकते हैं अब जो चेहरे पे ये ग्रीन स्क्रीन है जो, अब इसको हम रिमूव करेंगे। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, फिर हमें नीचे की तरफ आना है, और नीचे की तरफ जैसे हम आएंगे तो हमें एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप देख सकते हैं क्रोमा की, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नया इंटरफेस देखने को यहाँ मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद में फिर हमारे सामने कुछ नए ऑप्शन आएंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसको इनेबल किया तो हमारा जो सर के ऊपर ग्रीन स्क्रीन था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। और रिमूव होने के बाद में अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक PNG की, जो कि हमें केवल सिर का एक PNG इमेज चाहिए। तो वो किस तरीके से हमें बनाना है तो मैं आपको चलो बता देता हूँ। दोस्तों ये है वो ऐप, इसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। ये आपको प्ले स्टोर पर बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा, आपको ये डाउनलोड कर लेना है। तो चलो फिर इसको ओपन करते हैं। फिर आपको लोड फोटो पे क्लिक करना है दोस्तों, फिर आपकी यहाँ फाइल ओपन हो जाएगी। तो फिर आपको वो इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है जिसका हम PNG बनाने वाले हैं। फिर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद में फिर आपको इस इमेज को यहाँ से जूम कर लेना है, जो कि आप अच्छे से इसको रिमूव कर सको। दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से आपको इसको रिमूव करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसको रिमूव किया है। दोस्तों चलो पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा ये सेव कैसे करना है। दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से सिर की PNG बना लेनी है, और PNG बनाने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है दोस्तों। फिर आपको सेव पे क्लिक करना है, फिर आपको ये फिनिश पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये जो हमारी PNG की इमेज है ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों चलो फिर चलते हैं काइन मास्टर पे। फिर आपको जाना है लेयर पे। लेयर पे आने के बाद फिर आपको चले जाना है मीडिया पे। जैसे ही हम मीडिया पे जाएंगे तो यहाँ हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। अब ओपन होने के बाद में हमें यहाँ से वो PNG इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जो कि सिर वाली हमने PNG बनाई थी। चलो फिर मैं आपको यहाँ सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने PNG इमेज ले ली है। तो इस इमेज को आपको सिर के ऊपर इस तरीके से सेट करना है जो कि बिल्कुल भी महसूस ना हो कि ये इमेज अलग से है। तो जो वीडियो की लेयर है
और जो इमेज की लेयर है इसको आपको सेम मिला देना है। सेम मिलाने के बाद में फिर जो पीएनजी वाली लेयर है इमेज की, इसको आपको खींच करके वीडियो के बराबर कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल बराबर किया है, तो आपको भी इसी तरीके से एकदम बराबर कर देना है। और बराबर करने के बाद में फिर आपको वीडियो की लेयर को हल्का सा आगे की तरफ सरका देना है। सरकाने के बाद में फिर आपको प्लस वाले निशान पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको जो पीएनजी की लेयर है सिर वाली, उसको आपको हाथ से बिल्कुल मैच कर देना है। फिर से वही करना है, फिर वीडियो को हल्का सा सरकाना है, फिर आपको प्लस वाले निशान पे क्लिक करना है, फिर पीएनजी की जो लेयर है उस सिर को आपको हाथ से मिला देना है। याद रहे वीडियो को बिल्कुल धीरे धीरे सरकाना है और इसी तरीके से आपको हाथ से सिर को मैच करना है। तो इस तरीके से आपको इस पूरी वीडियो में यही करना है। तो चलो मैं आपको ये पूरा करके दिखा देता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमने इसे किस तरीके से सेट किया है, बहुत ही बारीकी से इसे सेट किया है, बिल्कुल पास पास एकदम हल्का हल्का वीडियो सरकाने के बाद जब हमने इसको सेट किया है। तो अब चलो हम बढ़ते आगे की तरफ, फिर हमें क्या करना है, सिर को और हाथ को आपको इस पोजीशन में रखना है, फिर आपको प्लस के निशान पर क्लिक करना है, फिर हाथ को आपको हल्का सा नीचे की तरफ करना है, फिर सिर को नीचे की तरफ करना है। नीचे की तरफ करने के बाद में फिर जैसे हमारा हाथ ऊपर की तरफ जा कर के और नीचे की तरफ आए लगभग चेस्ट के बराबर, फिर आपको प्लस के निशान पे आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको सिर को ले जाके हाथ से मिला देना है। बस आपको ऐसे ही करते जाना है जब तक आपका वीडियो कंप्लीट ना हो जाए, जितना लंबा आपका वीडियो है जब तक आपको करना है। तो चलो मैं ये सारा आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, फिर सारा कंप्लीट करने के बाद में फिर आपको मैं वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं मैंने ये सारा वीडियो कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से आप भी अपना वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलो एक बार इस वीडियो को हम प्ले करके देख लेते हैं आखिर हमारा वीडियो कैसा बना है, एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रहे, जितना आप इसको बारीकी से बनाओगे उतना ही वीडियो आपका बेहतरीन बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा वीडियो एकदम यहाँ परफेक्ट तरीके से बना है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से अपना वीडियो बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितना आसान है, कितना इजी है इस वीडियो को एडिटिंग करना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।